सम्मान होगा। तो क्या आप महिलाओं को नहीं लगेंगे कोड़े? तालिबान कहता है काम कर सकती है महिलाएं, तो क्या आप महिलाओं को नहीं मारे जाएंगे पत्थर? तालिबान कहता है जरूरी नहीं होगा बुर्का, तो क्या अब नहीं पोती जाएगी कालिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। हल्ला बोल में बात करेंगे कि कैसे 900 चूहे खाकर तालिबान हज को चला। हम बात करेंगे कि क्या वाकई महिलाओं को लेकर तालिबान का नजरिया बदल रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसी खबर जो तालिबान के दावों की पोल खोलेगी। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है तालिबान ने। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत की गवर्नर थी। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में जब तालिबान ने कब्जे की लड़ाई शुरू की थी, तब सलीमा मजारी ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। जिस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग रहे थे, उस वक्त सलीमा अपने जिले चारकिंट में ही मौजूद रही। वो अपनी जनता के लिए तब तक लड़ती रही जब तक वहां पूरी तरह तालिबान का कब्जा नहीं हो गया। चारकिंट अकेला ऐसा जिला था जिसे महिला गवर्नर चला रही थी, और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले इस जिले ने तालिबानियों के आगे सरेंडर नहीं किया था। सलीमा की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल उन्होंने बातचीत के जरिए 100 तालिबानियों को तथाकथित रूप से सरेंडर भी कराया था। इसीलिए हम कह रहे हैं 900 चूहे खाकर तालिबान हज को चला। आज हल्ला बोल में इसी पर चर्चा होगी। दरअसल महिलाओं पर तमाम अत्याचार करने के बाद तालिबान अब खुद की एक नई छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है। तालिबानी नेताओं ने वादा किया है महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा, उनके लिए बुर्का जरूरी नहीं होगा। तो क्या तालिबान के इन वादों पर भरोसा करना चाहिए? बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तालिबानी सोच का कोड़ा अब अफगानिस्तान की महिलाओं में ऐसी दहशत पैदा कर रहा है कि अपनी जान पर खेलकर वो निकल गई हैं तालिबान का विरोध करने। जिस तालिबान के सामने अफगानी सेना ने हथियार डाल दिए, जिसके सामने खौफ खाकर राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग खड़े हुए, उस तालिबान के खिलाफ औरतों ने मुट्ठियां तानी है, आवाज बुलंद की है। काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 10 में महिलाओं ने अपना हक, अपनी हिस्सेदारी की आवाज उठाई। तालिबानी अत्याचार के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर गया है। जलालाबाद में जान खतरे में डालकर लोगों ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बीच सड़क आवाज बुलंद की। तालिबान की बातों पर किसी को भरोसा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भरोसा तालिबान दे रहा है, उस पर कौन यकीन करेगा? I'm afraid of myself, my life, and my freedom to work and my freedom to speak up. These are the things that I'm afraid of losing them, because all of them are for me, like for you, for everyone. If you can't work, you can't talk, you can't go out, so that won't be a good life that you're having, and you can't define it as a life totally. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो बदल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। महिलाओं के लिए तालिबान न बदला था और न बदलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें। एक तरफ तालिबान महिलाओं को बुर्का इस्तेमाल की आजादी का दावा कर रहा है, और दूसरी ओर महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोते जा रहे हैं। तालिबान ने कहा दुश्मनों को माफ किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को गिरफ्तार कर लिया। सलीमा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अशरफ गनी की तरह तालिबान के सामने सरेंडर करना ठीक नहीं समझा, बल्कि कई दिनों तक बंदूक उठाकर विरोध करती रही। तालिबान कहता है महिलाओं को काम करने की आजादी होगी, लेकिन वही खबर है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला एंकरों पर पाबंदी लगा दी है। As an Afghan woman, I wouldn't trust them because they don't have a very clear good track record of keeping up their promises or something like that. If they were so keen on women's rights, they wouldn't stop Herat girls from going to university. They wouldn't stop women working in Azizi Bank in Kandahar, right? So these are two different narratives. जुलाई में अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने तालिबान के अत्याचार का खुलासा किया था। कहा था कि तालिबान के कब्जे वाले इलाके में बिना पुरुषों के साथ लिए महिलाओं को अस्पताल जाने की इजाजत नहीं है। मतलब ये
कि तालिबान वही पुराना तालिबान है, बस उसकी बातें और उसके दावे नए हैं। और नया है तालिबानी आतंकियों को मिले वो हथियार जो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में छोड़कर गई है। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और मशहूर हमवीज तालिबानियों के हाथ में आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि तालिबानी आतंकी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट सेनाएं करती है। इससे तालिबानियों की सैन्य ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। सैकड़ों तोपें तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। इन तोपों में अमेरिका की यूएस 155mm M114A1 होविट्ज़र तोपें हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां भी तालिबान के हाथ लग चुकी हैं, जिनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरे उठा सकता है। इतनी ही नहीं, अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज, ड्रोन तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जो आने वाले वक्त में खून खराबे की आग भड़काएंगे। तालिबान लाख दावे कर ले, अच्छी बातें कर ले, लेकिन जिसने तालिबान का आतंक देखा है वो कभी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि हथियारों का इतना जखीरा मिलने के बाद तालिबान आतंक का रास्ता छोड़ देगा। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि महिलाओं के लिए तालिबान अपना चेहरा बदलेगा। ये तो बस मुखौटा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कनिका गुप्ता अफगानिस्तान से लौटी हुई पत्रकार हैं। आज ही कनिका आप लौटी हैं अफगानिस्तान से, बहुत मुश्किल वक्त, और यहाँ आना भी आपके लिए मुश्किल रहा, लेकिन ये हमें बताएंगी क्या कुछ इन्होंने अपनी आंखों से वहां पर देखा है। हमारे साथ बरखा वर्षा, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं। हमारे साथ आरिफ सदात, अफगानी शरणार्थी जुड़ रहे हैं। मोना आलम, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। जीनत शौकत अली, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। कमर चीमा साहब, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कनिका आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप वहां से लौटी हैं। क्या महिलाओं में वाकई इतना डर है? और जब हम मजारी की गिरफ्तारी की खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा उनकी तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। ये पहली महिला गवर्नर थी वहां की, और इन्होंने हथियारबंद तरीके से पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, तालिबान का मुकाबला किया अफगानिस्तान में। लेकिन अब कुछ सेकंड्स में बस आपको वो तस्वीरें दिखेंगी। ये हम आपको अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है। अभी से रंग दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए मजारी, इन्होंने तालिबान का जबरदस्त मुकाबला किया था। खबर कुछ देर पहले की आई है कि सलीमा मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है वो डर कनिका जो लड़कियों के मन में है? क्या आपसे किसी ने वहां पर अफगानी, क्योंकि सभी अभी आप लोग घर में बंद होंगे, क्या किसी ने आपसे शेयर किया जो डर है उनके मन में? विमेन को तो हिस्टोरिकली ये मालूम ही है कि अगर तालिबान पावर में है तो उनके लिए ये एक बहुत ही खतरे वाली बात है, क्योंकि वो कभी भी उनको वो वाले फ्रीडम नहीं देंगे। अगर वो ये कहते भी हैं कि हम आपको एजुकेशन करवाएं, यू आर अलाउड टू एजुकेट योर सेल्फ और यू आर अलाउड टू गो आउट, बट वो हमेशा एक कंडीशन के साथ आएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो आपके साथ कोई पुरुष होना चाहिए जी। और बुर्का भी वैसा वाला बुर्का जिसमें बस नेट यहाँ लगा जी, आंखें दिखनी नहीं चाहिए, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। बहुत बुर्कों की बिक्री भी शुरू हो गई। ये चादरी उसको कहते हैं, ये लोग जो चादरी ये पहनते हैं, ये पहले ये कॉन्सेप्ट जो मुझे वहाँ के लोकल्स ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं अफगानिस्तान में चादरी का। ये 96 में जब तालिबान आया वो लेकर आए, और उसके बाद से फिर ये कल्चर के अंदर एम्बेड हो गया ओवर द ईयर्स। सो अब इस पॉइंट पे अगर वही बात है कि अगर उनको वो फ्रीडम देते भी हैं, वो हमेशा एक कंडीशन के साथ होगी, और वो कंप्लीट फ्रीडम जो आज की विमेन, जो मॉडर्न अफगान विमेन एंजॉय करती हैं, वो फ्रीडम शायद उनके लिए अब मुश्किल होगी। कई महिला सांसद है वहां पर कनिका जी, जिन्होंने लोकतंत्र के जरिए रास्ता चुना, और पहली महिला गवर्नर मजारी, जैसा कि हम दिखा रहे हैं उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अन्य मेहमानों को दिखाइए। कमर चीमा साहब, आपको समझ में आ रहा है ये कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि आप तालिबान को चांस तो दो, अभी तक कोई हिंसा तो हुई नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं है, आप देखिए एक एक करके वो क्या महिलाओं की आवाज नहीं दबा रहे? देखिए जारी बात है, अगर खवातीन की आवाज कहीं भी दबाई जाएगी तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन इस चीज को भी तो देखें, अगर तालिबान अवाम की मर्जी से आए हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं है अफगानिस्तान के अंदर और वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं उनको ये रोकने वाले? अगर तालिबान किसी की जबरदस्ती करें कि आप नकाब करें तो गलत है, लेकिन अगर लोग नकाब करना चाहते हैं, लोग बुर्का पहनना चाहते हैं, खवातीन दुपट्टा लेना चाहती हैं, तो ये लोगों पे छोड़ दिया जाए ना। किसी को ये कहना चाहिए कि आप दुपट्टा लें, और ना किसी को जबरदस्ती ये कहना चाहिए कि दुपट्टा उतारें। सो लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक रहना चाहिए, और तालिबान अगर जबरदस्ती करेंगे
मोना उनके आलम, मुझे साथ लगता भी है कि आज आपको उनके उनको जवाब देना चाहिए। मोना, मोना जी, मोना अंजना प्लीज अपना महिला, सवाल रिपीट कीजिएगा, ठीक है, मुझे थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। आवाज महिला एंकर्स को बैन भी कर दिया है, बल्कि अभी मैं खबर देख रही थी कि कैसे एक ब्रेव करेजियस जो ब्रेव हार्ट्स हैं ये एक एक एंकर ने जाकर न्यूज एंकरिंग करी है, वरना उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब महिलाएं एंकर नहीं कर सकती, और ये सब मर्जी से दिख रहा है मिस्टर चीमा को। ये जो भी खवातीन इस हालात में काम कर रही हैं और अपना काम कंटिन्यू कर रही हैं, खास तौर पर मीडिया में, उनको सबको हमें सलाम पेश करना चाहिए, उनको क्रेडिट करना चाहिए। पाकिस्तान की नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई ने भी यही कंसर्न्स का इजहार किया है कि खवातीन के वहाँ पर कितने हक या उनके कितने राइट्स वहाँ इंश्योर किए जाएंगे। देखिए अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें तो अपनी जगह के वो खवातीन को पूरे राइट्स देंगे, लेकिन मैं समझती हूँ, देखिए एज फार एज नकाब बुरका या कोई भी इस तरह की चीज़ कंसर्न्ड है, ये किसी का इंडिविजुअल राइट होता है। मैं नकाब करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला होना चाहिए, ना कि स्टेट का फैसला होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर कोई चीज़ लागू करें। ना मुझे उतारने को लागू कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी कंट्रीज, जैसे यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हैं, फ्रांस वगैरह, जो कि एंटी हिजाब हैं, वो भी उतना ही गलत है जितना कि हिजाब किसी के ऊपर इम्पोज करना। तो मैं तो, मेरा इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर कट ओपिनियन है, ये स्टेट का काम नहीं है। आई एम सॉरी, ये एक पर्सनल की, एक पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है कि मैंने नकाब करना है, हिजाब करना है, नहीं करना, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जो खबर चीमा कह रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए तालिबान को, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि अगर वो सलीमा मजारी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनकी नीयत तो साफ है। देखिए ये तो बात ये है कि अंजना, मेरे और आपके हाथ में है नहीं। अभी इस वक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आपको पता है कि यूएस भी वहां पर सारा कुछ अपना इतना कुछ इन्वेस्ट करके वहां से आपको पता है कि जा चुका है और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है। फिर अफगान गवर्नमेंट जो थी वो भी आपको पता है, यूएस के इतने भारी भरकम जो उनको पैसे और फंड्स मिले थे उसके ऊपर दबा के उन्होंने करप्शन की है और फिर वो भी सारे भाग चुके ठीक हैं। है, लेकिन मोना आलम, मोना आलम, आपको एक सेकंड इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इतना तो मोना आलम और अंजना ओम कश्यप के हक में है कि हम ये बोले कि ये गलत हो रहा है, इतना तो हमारे हक में है कि हम बताएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ठीक नहीं है, अपनी आवाज उठाएं उन महिलाओं के साथ जो इस वक्त हिम्मत दिखा रही है अफगानिस्तान में, बिल्कुल, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो बोलिए ना कमर चीमा को, बोलिए ना कमर चीमा को, बताइए ना उनको, बताइए अगर इमरान खान कहते हैं कि गुलामी की बेड़ियों से अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो ये गलत है। गुलामी की बेड़ियां ये है, अगर बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा या कहा जाएगा कि किसी को साथ लेकर जाओ, कोई मेल एस्कॉर्ट ले जाओ, तो ये शर्मनाक। इसमें हमारा जो स्टैंड है अभी तक काफी क्लियर है। पाकिस्तान ने अभी भी ये रिकग्नाइज करने की बात नहीं की है तालिबान की गवर्नमेंट को। अभी भी हम लोग काफी सारे ममालिक से इन टच हैं, कंट्रीज से, टू मेक अ फाइनल कॉल ऑन वेदर और नॉट वी विल एक्सेप्ट द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान। इसके ऊपर अभी हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और इसी वजह से नहीं लिया है, हम वहां पर देखना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, खवातीन को लेकर क्या सिचुएशन है। आई एम सॉरी, मतलब मेरे यहाँ मुल्क में भी अगर खवातीन को लेकर हम तमाम के दिलों में डर है, बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी वहां पर खवातीन के साथ जो मर्जी होता रहे हमें कोई इसकी फिक्र नहीं है? ऑब्वियसली हमें इसकी फिक्र है और हमारी गवर्नमेंट को भी इसी हिसाब से फैसला करना होगा। कमर चीमा जी, जी तालिबान, देखें इसमें तो कोई, इसमें तो 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि तालिबान जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो उनको फिर उसकी उसकी सजा है, और उसकी सजा यही है कि जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि हम आपको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, सुने मेरी बात, हम आपको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आप खवातीन बच्चों और कमजोर लोगों के साथ जुल्म करेंगे, अपनी मर्जी से इस्लामी नफाज नाफज करेंगे जो कि इस्लाम में है भी नहीं है। अगर आप अपने कल्चर को और मजहब को मिक्स करके लोगों के ऊपर अपनी जाति जो नियत है वो मुसल्लत करेंगे, वो गलत है। इस्लाम में कभी नहीं कहा गया कि आप खवातीन जो है वो ये बिल्कुल तो ही हिजाब ले लें। ये तो कमर चीमा साहब ज्ञान की बातें हो गई, जो आप जब जब हल्ला बोल में आते हैं तो भरपूर देते हैं, भर भर के देते हैं, लेकिन जो तस्वीर होती है वो अक्सर इससे बहुत अलग होती है, और वो तस्वीर आरिफा सद्दात बताएंगे। आरिफ सद्दात, आप अगर बताएं, वो कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हमें इंतजार करना चाहिए देख, लेकिन तालिबान वन का जो खौफ है, जो लोगों ने देखा है कोड़ा पत्थरबाजी, क्या नहीं जबरन शरिया को एक अलग तरीके से उसको उसको इंटरप्रेट करके लोगों पर थोपना, आप क्या कहेंगे आरिफ? ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि
मैं ये बोल रहा हूँ कि बोल रहे तालिबान कुछ नहीं कर रहा, ये सब झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। तालिबान अपने आप को मीडिया के सामने बोल रहे कि हम अच्छा तालिब है, नहीं ये आइडियोलॉजी वही पुराना आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे आप बोले सलीमा मजारी को ये लोगों लेके जाए अपने साथ, वही झारखंड में एक दिन पहले वहाँ पर ये तालिबान एक घर में घुस गया, जो एक हम जनरल बोलते हैं जनरल सदाकत, वो गवर्नमेंट में काम करती थी, वो मतलब लाइक कमांडर, वो ये तालिबान उसके घर में घुसने वाली थी, वो बोले तो मेरे घर में मत घुस जाए, वहाँ सब लड़कियाँ है लेडीज़ है, मगर ये तालिबान उसके घर में घुस गया और वो जनरल सदाकत को अपने साथ लेके गया। अभी तक पता नहीं कि वो ज़िंदा है मर गया है, किस हालत में है, किसी को कुछ पता नहीं ये किस तरीके में मतलब तालिबान चेंज हो गया। अगर तालिबान भी चेंज हो जाएगा फिर भी तालिबान तो अफगानी नहीं है, अफगानी लैंग्वेज में अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। जितना तालिब अफगानिस्तान में आया वो उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो तो हमारे लैंग्वेज में नहीं है। हमारे दो लैंग्वेज है, एक पश्तो है एक दरी है, ये बिल्कुल झूठ है, सब कुछ झूठ है। और दूसरा बोल रहा है कि लड़कियों को ये लोगों कुछ नहीं बता, हम इतना देर में मतलब 20 साल में अपने मेहनत किया पढ़ाई किया फिर भी तो हमें हमारे मेहनत सब कुछ ख़त्म, मतलब तालिबान लड़कियों के साथ अभी भी ज़बरदस्ती से मतलब लड़कियों को लेके जाता है अपने साथ, ज़बरदस्ती से शादी करने वाला है। मैं तो बिल्कुल हाजिर नहीं हूँ कि अगर अफगानिस्तान भी मतलब शांत भी हो गया, मैं उस लोगों के साथ मैं बिल्कुल हाजिर नहीं हूँ उस लोगों के साथ जीवन रहने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ गलत है। और दूसरा ये बात, मैं अभी हाजिर हूँ ये इंडिया में मर जाऊँ मगर तालिबान को शक्ल को नहीं देखा। अगर इस हालत हो जाएगा, अगर लड़कियाँ लड़ने के लिए जाएगा अपने कंट्री फ्रीडम के लिए, मैं मतलब मैं हाजिर हूँ अपने कंट्री के लिए, क्योंकि मेरे कंट्री मेरे प्यार है मेरा, अगर मैं फ्रीडम के लिए मैं हाजिर हूँ करने के लिए, अपनी जान में दे दूँगा अपने कंट्री के लिए अपने फ्रीडम के लिए, मगर तालिबान के लिए अगर मतलब बहुत तालिबान के लिए मैं जाऊंगा, अगर शांत भी होगा बिल्कुल मैं हाजिर हूँ इंडिया में मर जाऊंगा मगर तालिबान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। अभी एक दिन पहले ये वॉइस जी कमर चीमा साहब अफगानिस्तान का एक दिन पहले ये प्रेसिडेंट हाउस के सामने दो लड़कियों को गोली से मारा, ये कौन सा तालिबान है? अभी घर घर में घुस रहा है जो लड़कियां बाहर में काम करता है गवर्नमेंट के साथ, उस लड़कियों के घर के पीछे पिंक रंग में कॉलर करता है कि ये हमें भूल नहीं जाएंगे क्योंकि इस घर में लड़की है और ये गवर्नमेंट में काम कर चुकी है और बाहर में काम कर चुके हैं, ये कौन सा तालिबान है? और ये बात ये तालिबान कहाँ से आ रहा है और ये तालिबान के कौन सपोर्ट कर रहा है? वो तालिबान तो हमारे मुल्क का नहीं है। और दूसरा बोल रहा है कि इस्लाम हाथ ही के मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ इस्लाम को, इस्लाम भी ज़बरदस्ती से नहीं बोल रहा है कि सब कुछ को ज़बरदस्ती से कर दो। और इस्लाम ये बोल रहा है अगर एक बंदा मर जाएगा जैसे सारा दुनिया मर जाऊँगा, मगर मेरे कंट्री में हर दिन में 100 लोग हज़ार हज़ार लोग मर जाएंगे, ये किस तरीके में इस्लाम है? ये बिल्कुल गलत है। और इस्लाम जवाब देते हैं कमर चीमा साहब से, कमर चीमा साहब हाँ। ये लोगों बोले कि अपने पॉकेट के अंदर चादरी पॉकेट की तरह है, हम तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए। कमर चीमा साहब जी इसमें देखिए सिंपल सी बात है, अगर अफगान अवाम इतना ही तालिबान से नाराज है तो उनसे लड़ाई करते ना ताकि वो टेक ओवर ना करते, जब उन्होंने इनको ऊपर लड़ाई कैसी बात बोलते हो आप कमर चीमा साहब, सुनते हो अपने आप को क्या कह रहे हो आप? जनता लड़े उनसे मैडम, बात वो करनी चाहिए जो बनती है, और बात ये है कि अफगान सोसाइटी ने तालिबान को वेलकम किया है, मुआशरे ने वेलकम किया है, दुनिया बात कर रहे हैं आप, इनको खड़ी करती रही और ये फिर गिर पड़े हैं। अब आपके टीवी शो करने से क्या इनको हकूक मिल जाएंगे? मेरे बात करने से हकूक मिल जाएंगे? जीनत जी कनिका सब आपको जवाब देना चाह रही है, जीनत जी जवाब दीजिए इनको, क्या आप टीवी में बैशिंग करें? तालिबान ग्राउंड भी आए तो आप लोग झुक जाएं?
कमर छीमा ये कौन मैं आपसे फ्रंटियर गांधी की परपोती मेरे साथ लाइव थी, उन्होंने कहा इस्लाम नहीं इस्लामाबाद का किया हुआ है ये। अब जवाब सुनिए, मतलब को जाके रोकना चाहिए, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कंट्री चल रही थी जहाँ उनके लिए है क्यों सॉरी कैन आई से बोलिए जीनत जी बोलिए जी आई मैं इन इनकी बात से मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकती हूँ कि व्हाट डू यू मीन कि यू नो उनको रोकना लेना था। एक कॉन्स्टिट्यूशन था कंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था जहां औरतों के हुकूक है और जो औरतों के राइट्स है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरा उल्टा सीधा कर देंगे, बदल लेंगे। और जो आपकी फिलॉसफी जो आपने बताई है राइट फ्रॉम 1996 जो आपने फिलॉसफी रखी है, वो फिलॉसफी रिडंडेंट बैकवर्ड और जो है वो अन इस्लामिक है। देखिए मैं आपको बताऊं, देख कुरान शरीफ 805 वर्सेस डील विद एजुकेशन। और मलाला यूसुफ भाई क्यों गई, उसको मारा गया एजुकेशन के लिए। यू डोंट गो टू स्कूल, आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स हुज फेसेस आर स्मियर्ड और उनके मुंह पे खून है क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। तो ये तो इस्लाम के खिलाफ ही हुआ। ये कौन सा इस्लाम ये सिखा रहे हैं और ये कौन सी शरीयत लागू करने वाले हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। शरीयत पे मैं इतनी माहिर नहीं हूँ लेकिन छोटी मोटी किताब मैं भी लिखी हूँ उस पर। तालिबान को इम्प्लीमेंट करे तो मैं मानूंगी कमर साहब। तो ये बातें जो है वो हवा में तीर छोड़ने की है। और इस किस्म से लेडीज को बुली करना कि आपको रोकना था तो तलवार लेके रास्ते में खड़ी होती कि आप रुक जाइए और वो रुक जाते, तो प्लीज लेट्स नॉट टॉक नॉनसेंस। और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अक्की एक नेशन जो है वो टेकिंग इट बिहाइंड टाइम इनटू मिडिवल एजेस और मुसलमान देखते रहेंगे, ये देखते रहेंगे। आपको आगे बढ़ना, इस्लाम जो सिखाया है वो आपको एक कदम आगे चलना है। इट हैज रिड्यूस इट हैज डिस्ट्रॉयड लॉज व्हिच हैव बीन एंटी वुमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। तो आप कौन से हिसाब से कह रहे हो कि आपको यू नो तालिबान को कोई भी खबर साहब तो बहुत ठीक है खबर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए तालिबान ने ताकत से कंट्रोल किया बैक इन 90s, अमेरिका ने ताकत से उनकी हुकूमत खत्म की और फिर ताकत से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। आज तालिबान ने फिर ताकत से वो कंट्रोल वापस ले लिया है। यहाँ पे आपकी और मेरी ये बातें चली है, वो तालिबान ने साबित कर दी। अब जो कानून बनेंगे वो उसी स्ट्रक्चर में बनेंगे, लेकिन हमारा काम है हम प्रेशराइज करें तालिबान को कि वो अफगानिस्तान की अवाम की मर्जी के मुताबिक कानून बनाए, ना कि वो अपनी मर्जी से मुसल्लत करें। और इस्लाम तो पाकिस्तान में भी है, मुसलमान ममालिक तो और भी हैं हमारे मुल्क में। देखिए ये तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए कमर चीमा, पता नहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो वैसे ही आपके मुल्क में बहुत खराब है। देखिए हर बार कनेक्शन करते हैं आपसे और टूटता रहता है इसी तरह से। ये तस्वीर ये कहानी है नए जो अफगानिस्तान में स्थिति बनी है उसकी, महिला एंकर थी उन्हें हटा दिया गया है और अब यहां पर इस तरह से खबरें बताई जाएंगी। ये सब आहट है, ये शुरुआत है, यहीं से वो तालिबानी सोच, वो क्रूरता जिसके जरिए वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं, जिसके जरिए वो मध्ययुगी सोच को थोपते हैं और शुरुआत अक्सर महिलाओं से करते हैं, जिसका खौफ फिर वो पुरुषों में बच्चों में हर जगह फैलाते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए। आज हमारे साथ दो ऐसे पत्रकार यहां पर मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान से लौटे हैं। कमर चीमा साहब ये कह रहे हैं कनिका कि वहां पर तो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी, अगर आप जवाब देना चाहें कनिका कमर चीमा साहब। ऐसा बिल्कुल भी इन्होंने गलत बोला है कि वहाँ पे वो स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग तो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं कि उनको कि वो यहाँ पर आ गए हैं, दे आर फीलिंग बिट्रेड, दे आर एंग्री, दे आर रनिंग फॉर देयर लाइव्स। आपने खुद देखा है, तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, पहिए से लटक के, मतलब उनको पता नहीं। कमर शिमा साहब को आई एम कम्प्लीटली आई एम सरप्राइज हाउ डिस्कनेक्टेड विद रियलिटी यू आर सर टू से दैट। मतलब आपने खुद विजुअल्स देखे हैं कि लोग अपनी मतलब जान बचाने के लिए प्लेन के चक्कों से तक लटक गए, एंड बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। आई कम्प्लीटली रिफ्यूट दैट स्टेटमेंट। मैंने अफगानिस्तान में 3 महीने निकाले हैं, मैंने लोगों से बात की है, मुझे पता है कि कोई भी उनको वेलकम नहीं कर रहा है। अब उनका अब वो आ ही गए हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक
फोर्स्ड रियलिटी उनके लिए बन गई है, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है. सो दे आर जस्ट कॉमन पीपल सर लाइक यू एंड मी. अगर वो अब आ ही गए हैं सरकार में, उनको एक्सेप्ट करने के अलावा फिलहाल उनके पास कोई चारा नहीं है. बट देर इज नो वेलकम. आई एम सॉरी, यू आर वेरी रॉन्ग. चीमा साहब को सच पसंद नहीं है, चेहरा उतर गया. नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो अफगानिस्तान में हुआ है, ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये किसका कसूर है? क्या ये अफगान अवाम का कसूर नहीं है? आप जिम्मेदार किसको ठहरा रही हैं? मुझे इस शो का क्रम आप एक क्या को, आप सॉरी सर, आई वांट टू आस्क कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं बंदूक उठा के लड़ूं, अवाम को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? इट्स नॉट माई जॉब. कसूरवार कौन है? अफगान अवाम, जिसको पूरी दुनिया खिलाफ पिला रही है, उनकी खिदमत की है, मोटा ताजा की है, और वो लड़ने के काबिल नहीं है. ये समझ शर्मनाक बातें कर रहे हैं आज. आपको मालूम आज पता नहीं आपने क्या किया है सुबह से, पर शर्मनाक बातें कर रहे हैं आप. अफगानिस्तान की जनता जो ये सब कुछ झेल रही है, उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं. आवाम को तालिबान से नहीं बचा सके, अभी तालिबान डिक्टेट करेंगे, ये हकीकत है. इसको माने, अभी तो इंडिया भी रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को, आपकी हुकूमत उनको पैसे देगी, ये याद रखिए. बरखा वर्षा जी जुड़ी हैं. बरखा जी आप भी वहां से लौटी हैं, जरा इनको बताइए क्या हो रहा है. एकदम डिस्कनेक्टेड है, इनको कुछ पता नहीं. ये बता रहे हैं ना कि वहां के लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनके यहाँ वेलकम किसको कहते हैं, खुशामदीद क्या होता है. इन्होंने बिल्कुल जो तरीका बताया बिल्कुल गलत है. जनता बिल्कुल बेहाल है, बदहवास है, वहां पे अफरा तफरी का माहौल है. मैं खुद वहां पे एक महीने से रह रही थी, पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ अफगानिस्तान के अंदर. जो लोग हैं उनमें इतना रोष भी है, डर भी है, खौफ भी है, और वो इस बदले हुए हालात से समझ नहीं पा रहे हैं. लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह निकल जाएं, भाग जाएं इस माहौल से. जो वहां पे खासतौर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो वुमेन जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए कल सवेरे भी आ रहा था कि लेडीज जो सिर्फ एक दुपट्टा पहन के निकल सकती थी, वो एक बुर्का की दुकान पे इतना रश किस लिए? क्यों वो आजादी से नहीं जी सकती? क्यों वो अपनी लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो कर सकती? उन्हें वही लाइफस्टाइल फॉलो करने होंगे जो ये तालिबान कहेंगे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा. और रही बात, ये जो जनाब अभी कहते हैं कि ये उनकी अफगान्स की गलती है, कोई भी मुल्क के लोग, मैं एक इंडियन हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे मुल्क में इतना खराब माहौल पैदा हो किसी बाहर वाले की वजह से. अफगानियों में जो रोष है पाकिस्तान को लेकर, क्या आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये तालिबान वहां पैदा होते हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? क्या ये अब बताया जाएगा? जो जग जाहिर बातें हैं, सारी दुनिया को पता है कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, कि जमीन पे होती है, कौन सपोर्ट करता है. सर, मैं जलालाबाद बॉर्डर पे काम कर रही थी, आपको भी पता है पाकिस्तान के साथ एक ही बॉर्डर है जलालाबाद का. मैंने भी देखा है अपनी आंखों से वहां पे सब कुछ होते हुए, किस तरह से एक ऐसा लकड़ी का एक बॉक्स गेट सा लगा होता है कि कोई भी इधर आता है, कोई भी उधर जाता है. वो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है वहां पे. वुमन सिक्योरिटी तो बिल्कुल खराब हो चुकी है. लेडीज की हालत, लेडीज क्या हम कहें, जेंट्स की भी हालत बहुत खराब है. आप कुछ भी कहते हैं कि लोग वेलकम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या खुशामदीद कैसे होता है, नहीं मालूम है. लोग परेशान हो रहे हैं वहां पे. मैडम, मुझे पता है कि भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है, रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है. डूबी है, हमने अपनी खुशी से किया है. अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सारी दुनिया में पता है. आप जिसको डूबना कह रहे हैं, उसे दोस्ती कहते हैं. आप दोस्ती कहते हैं. इंडिया अपने पीस के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है. कमर चीमा, फिर वही आवाज गई आपकी. आतंकवाद के लिए पहचाना जाता है. फिर वही कनेक्टिविटी प्रॉब्लम पाकिस्तान स्टाइल. ये टेररिस्ट कंट्री है. इंडिया को कभी किसी ने टेररिस्ट कंट्री नहीं कहा है. इंडिया के लोगों को खासतौर से अफगानिस्तान आज इंडिया की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है. आपकी कंट्री की तरफ उम्मीद से क्यों नहीं देख रहा है? तमाम लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो वहाँ देख रहे हैं सब कुछ. पाकिस्तान की तो देखिए पोल खुल रही है पूरी दुनिया के सामने. आप लोगों को ये समझना होगा, जिस तरह से आप लोग ताली बजा रहे हैं ना तालिबान पर, ये बहुत जल्दी पाकिस्तान को भी परेशान कर सकता है. थोड़ी सी तो ईमानदारी रखिए सर. आपकी भी आने वाली पीढ़ियां इसी इलाके में जिएंगी. आरिफा, मुझे मैं बोल सकती हूँ? हाँ आरिफा, जवाब दीजिए. हाँ, कमर चीमा साहब को. कमर चीमा कह रहे हैं कि लोगों ने क्यों नहीं रोका. हाँ 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 मुझे हाँ
नहीं नहीं लोगों क्यों नहीं रोका, लोगों को जबरदस्ती से हमारे आर्मी के पास वो बंदूक था, बोले हम यूज नहीं कर सकता था वो बंदूक को, क्योंकि मतलब ऊपर से वो लोगों को बोले तो तुम मत लड़ो, लड़ने के लिए हमारे पीपल को ये लोगों स्टार्ट किया। अभी भी हमारे पीपल लड़ रहे हैं, जो तखार है तखार अभी लोगों लड़ रहा है, मतलब तालिबान के साथ लड़ रहा है। अभी तखार तालिबान के हाथ भी नहीं है और पीपल के हाथ में है तखार। और दूसरा, अभी इतना बर्बादी के टाइम, खराबी के टाइम मैं ये बोलनी चाहती हूँ कि पंजशीर तालिबान के कब्जे में ही नहीं है, वो अहमद मसूद के कब्जे में है, और कापिसा और दूसरा परवान, ये तीन चार प्रोविंस अभी भी तालिबान के कब्जे में था, पंजशीर बिल्कुल नहीं था, दूसरा प्रोविंस था, अभी वापस ले लिया, लोगों ले लिया। और दूसरा जलालाबाद में लोगों बोले तो हम अपने फ्लैग को नीचे नहीं करेंगे, तालिबान दो लोगों को मार दिया, क्यों अपने फ्लैग को नीचे नहीं करें। अभी जलालाबाद भी लोगों लड़ रहे हैं तालिबान के साथ, और तखार भी लोगों अपने खाली हाथ में लड़ रहा है तालिबान के साथ। ये किस तरह, ये कैसे बोल सकता है कि ये अपने कंट्री की नहीं लड़ा? बताइए, मुझे ये बहुत समझ जी, नहीं जी, रहा है जी, अगर हमारे कंट्री का बर्बाद, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं, वो बोल नहीं पाए। इन मैडम आरिफा, हाँ, इन मैडम से कहें अपनी फौज से सवाल करें कि आपके पास बंदूक थी तालिबान पे क्यों नहीं चलाई, इनके अपने सदर से पूछें आप इलेक्शन जीते हुए हैं अफगानिस्तान से क्यों, इनके लोगों से पूछें आप ताकत में थे या तालिबान, क्योंकि वो लोगों लिए, और मुझे समझ ही नहीं रहा है अगर पाकिस्तान के बेनिफिट नहीं है, ये जो बदख्शान के लड़के एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट होगा? पाकिस्तान में जो हमारे आर्मी के कार एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा है, उस दिन में जो काबुल को कब्जा किया, ये लोगों पाकिस्तान में जश्न बनाया, और एक आर्मी कार में जो अफगानिस्तान आर्मी कार था उसको ये लोगों पाकिस्तान में लेके गया, और पाकिस्तान फ्लैग के साथ ये लोग जश्न बनाया। अगर तुम्हारे बेनिफिट नहीं है, क्यों पाकिस्तान को इतना बोले कि क्यों बोले कि तालिबान इतना अच्छा है? तालिबान का तो जश्न मना रहे हैं कमर चीमा साहब, खूब जश्न मना रहे हैं। जी जी, तो तालिबान के कब्जे के बाद क्या होगा वहां महिलाओं का, यह चिंता पूरी दुनिया को है, लेकिन जिन पर बीत रही है वो इस पर क्या कहती हैं? खास मेहमान, बेहद खास मेहमान हमारे साथ फरजाना अलहम जुड़ रही हैं, जो कि सांसद हैं अफगानिस्तान के। फरहाना, बहुत स्वागत है आपका। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, आफ्टर तालिबान हैज टेकन ओवर अफगानिस्तान, व्हाट इज योर रियल फियर? What is it that you are fearing? We're seeing people run away from the country. What is the real fear, Farzana? Tell us. Yeah, thank you, Anjana. The real fear is losing life, being abandoned, being locked in the houses, treating like slaves, and as well as taking everything that as a value a human is living with that from them. I just been in touch with my friends, my colleague MPs and journalists in all sectors. One of my friends were crying just right now that I've been to my job in the national TV. She's working to, she's an anchor like you. But they abandoned her and they said that you can't go to do what you are doing. The regime has changed. She expressed that with a video she released in social media too. My other friend is just crying that they are coming, they are searching the houses and they are taking our like some belongings. I don't know, the fear is, it starts from losing life to everything that you can imagine that will happen. And people in Afghanistan, especially the young generation and the woman who is educated and who occupied job, can't live the way they were living 20 years back when the Taliban were ruling the country. Now things are changed. Everyone is
having fears for future, that what their future would be like. Farzana Sansad, just for the benefit of my viewers, Farzana, I'll quickly translate this into Hindi. Farzana bata rahi hai ki bachchon mein, mahilaon mein, Afghanistan ke logon mein ye dar hai ki unki zindagi puri tarah se badal jayegi. Wo bata rahi hai kaise wahan par mahila anchors, jo news anchors hain, unko channels ne hata diya hai. Jis tarah ki zindagi Taliban one mein log wahan par jeene ko majboor the, wahi dar, wahi khauf logon ko is waqt sata raha hai. To ek mahila sansad, aapne unki bhi baat suni. Kul milakar tasveer yahi hai कि तालिबान का खौफ और उसकी दहशत की वजह है उनके तौर तरीके. तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ अपनी हरकतों की शुरुआत कर दी है. जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. हालांकि जो भी, चाहे वो सलीमा मजारी हो जो कि पहली गवर्नर थी, या फिर अन्य जो सांसद हैं, इन सब के खिलाफ सभी में डर यह है कि अगला कदम उनका क्या होगा. न्यूज एंकर्स के खिलाफ, यानी जो खबरें वहां पर न्यूज एंकर्स थी, जर्नलिस्ट थी, उनको हटाकर और पुरुषों को अब सामने बिठाया जा रहा है. ये तरीका होता है और यहीं से उनकी शुरुआत होती है. एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज. 72 घंटे हुए नहीं और तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए महिलाओं के खिलाफ. वहां पर अलग अलग शहरों में जो कुछ हो रहा है, इसी पर आप देख रहे थे. 100 चूहे खाकर तालिबान हज को चला, देखते रहिए आज.